अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाह व बरकातहू। अंजलि शर्मा की बेहतरीन पोस्ट मुस्लिम बहनों के लिए जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। क्या मुस्लिम बहनें सुरक्षित महफूज हैं? कल बस से लाइब्रेरी जाते वक्त मेरी मुलाकात एक युवक से हुई। उस मुलाकात ने मुझे अंदर तक झिंझोड़ के रख दिया। मेरे हाथ में उर्दू का अखबार था। नौजवान ने मुस्कुराते हुए मुझसे अखबार मांगा। मैंने कहा, माफ़ कीजिएगा, मेरे पास उर्दू का अखबार है। मेरे जवाब पे उसने मुस्कुराते हुए यहीं से उनकी बर्बादी की दास्तान शुरू होती है। एक लड़की को गुमराह करने के 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। साथ ही ये शर्त भी रखी जाती है कि 6 महीने या 1 साल में लड़की की ऐसी हालत करनी है कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, या उसे इस मोड़ पर ला के खड़ा कर देना है कि समाज में मुझे दिखाने के काबिल न हो। नौजवान की बातों ने मुझे अंदर तक झिझोड़ के रख दिया था। मैंने अपने हौसले को जमा करते हुए नकली हंसी के साथ उससे कहा, आपके पास तो 2 लाख रुपए कमाने का अच्छा मौका है, आप क्यों ठुकरा रहे हैं? मेरे सवाल पे वो बेहद मायूस हो गया और कहने लगा, बहन, जुल्म जुल्म होता है, ऊपर वाला जुल्म करने वालों को कभी माफ नहीं करता। नौजवान के मंजिल आ चुकी थी। वो आदर से प्रणाम करके बस से उतर गया। उसके जाने के बाद मैं सोच रही थी, क्या इनके मंसूबों को नाकाम करने के लिए